कट्टर मुस्लिम है विवियन सेना, ये उंगलियां जो है उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोगों की नजर जो है किसी चीज के ऊपर पड़ गई और उस चीज को उठा के जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है अब सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। विवियन की खुद की लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है वो कर सकता है। हमारा इंडिया है, फ्रीडम कंट्री है, जिसका जो मन करता है वो चीज़ बोल सकता है, वो चीज़ कर सकता है, जिस भगवान को वो मानना चाहता है उस भगवान को वो मान भी सकता है। ये चीज़ जो है एक्चुअली में पहले मुद्दे उठा करते थे बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, कोई कन्वर्ट तक नहीं होता था, बट अब जो है बहुत ही आम बात जो है लोगों के लिए हो चुकी है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, जहाँ पर भी उनको मन लगता है, जिस भगवान में उनको मन लगता है, जिस अल्लाह में उनको मन लगता है, वो वहाँ पर उसकी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि विभिन्न सेना के बारे में काफ़ी सारी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये कट्टर मुस्लिम बन चुका है और इसने जो है अपने धर्म का अपमान किया है, और काफ़ी सारे हिंदू लोग जो है ये बातें बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि पहली बात ये है कि विभिन्न सेना जो है वो हिंदू धर्म से नहीं आते हैं, उनका धर्म जो है वो एक्चुअली में क्रिश्चियन थे और उन्होंने जो है वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने जो है निकाह किया। और अब जो है वो जब जिम कर रहे थे, तो जिम करने के बाद जो है वो आए और टेबल से उन्होंने बॉटल उठाई और बॉटल उठा के जो है वो पानी उन्होंने पिया। हालांकि जो कट्टर मुस्लिम्स रहते हैं वो इसी तरीके से पानी पीना या खाना खाना, जब भी खाना खाते, खाने के फर्स्ट बाइट अगर लेते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सरदार हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, तो अलग अलग रिलीजन को मैं भी देखती हूँ, मुझे भी पता है कि आखिरकार किस तरीके के अलग रिलीजन रहते हैं। ना वो हमारे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना हम उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बिस्मिल्ला बोला जाता है, पानी पीते वक्त बिस्मिल्ला बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उंगलियां उठाने लग गए हैं कि भाई ये तो हिंदू था और इसने जो है वो मुस्लिम तो बन गया, कन्वर्ट तो हो गया एक लड़की के पीछे, और अब जो है इतना ज़्यादा कट्टर बन गया है कि अगर किसी की नज़र भी नहीं है तो भी जो है ये हरकतें कर रहा है। पहली बात ये है, हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले थे। दिमाग वाले क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि आने वाली जो जनरेशन है वो कभी भी किसी अगर बुजुर्ग की बोली हुई बातें हैं उस चीज़ को मानेंगे नहीं। अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर एक चीज़ों की नॉलेज जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग मेरे जैसे भी हैं जो कि हर एक धर्म की चीज़ों के पीछे जो है लॉजिक भी ढूंढते हैं। देखिए, बैठ के पानी पीना ये सेहत के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ पर ऐसे मतलब कि इसे मुस्लिम धर्म में जो है ये चीज़ें बोला जाता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, बिस्मिल्ला बोल के पानी पीना चाहिए, तो इसीलिए जो है उनको कट्टर मुस्लिम बोला जा रहा है। पर मैं एक सरदार हूँ, एक सरदार फैमिली से, पंजाबी फैमिली से आती हूँ, मेरे घर पे भी बोला जाता है कि भाई खड़े होके पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है। तो आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे कि आखिरकार बैठ के पानी क्यों पीना है, इसका लॉजिकल आखिरकार क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो आप लोग प्लीज उस चीज के बारे में जरूर बताइए। विभिन्न सेना जो है वो हिंदू नहीं है और उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म को लेके जो है कभी भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने पहले भी बोला है कि मैं, मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मेरे अलग अलग रिलीजन के फ्रेंड्स हैं, और मैं हर एक धर्म की जो है काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। हाँ भाई, सब धर्मों की काफी ज्यादा इज्जत जो है हर किसी को करनी चाहिए। मैं भी एक अलग धर्म से आती हूँ, ऊपर वाले ने मुझे जिस धर्म में पैदा किया मैं उस धर्म को मानती हूँ, जो भी चीज़ होती है उस धर्म में मैं करती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे धर्म की जो है डिसरिस्पेक्ट करूँ, क्योंकि वो भी भगवान है, वो भी अल्लाह है, हम वहाँ पर भी हाथ जोड़ते हैं और वहाँ पर भी श्रद्धा से जो है उनसे भी मांगते हैं। अगर मैं चर्च में भी जाती हूँ तो भी मैं हाथ जोड़ के चर्च से यीशु चर्च जाके मैं वहाँ पर भी एक्चुअली में जो मेरे दिल की होती है मैं मानती हूँ, दरगाह जाके भी जो मेरे दिल में होता है मैं हाथ जोड़ के वो मानती हूँ। भाई भगवान तो एक है ना, ऊपर वाला तो एक है, आखिरकार इतने सारे मुद्दे जो है इनके ऊपर उठाने वाले लोग बनते कौन है, वो होते कौन है, वो आते कौन है, जो कि इतनी सब चीजें जो है वो बोल रही हैं बिना किसी नॉलेज के। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपका क्या कहना है इस पॉइंट को लेके जो सोशल मीडिया पर उठ रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।